हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टम पॉइंट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 40 करंट अफेयर्स के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। तो आइए एक एक करके 40 क्वेश्चन देखते हैं। ये 40 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि बायो एशिया 2019 जीनोम वैली एक्सीलेंस वैली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर डॉन क्लीवलैंड। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और ये अवार्ड जो है बायो एशिया अवार्ड 2019 का हैदराबाद में आयोजित किया गया और ये इस सेरेमनी का 16वां संस्करण है। 16वां संस्करण है। 16वें संस्करण के दौरान डॉक्टर डॉन क्लीवलैंड को, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के, उनको दिया गया। और इनको दिया गया है कैंसर जेनेटिक्स के क्षेत्र में इनके अनुसंधान कार्य के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने स्कूलों के बारे में रियल टाइम डाटा उपलब्ध करवाने के लिए बंगलार शिक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। देखिए, इस पोर्टल के माध्यम से न केवल अभिभावक बल्कि शिक्षक और छात्र, ये सारे लाभान्वित होंगे। तो इस पोर्टल को लॉन्च करने का सीधा सीधा मतलब था कि जो स्कूली शिक्षा है उसको इम्प्रूव करना, उसकी गुणवत्ता को आगे बढ़ाना, मेन मकसद इसका ये है। बंगलार शिक्षा नामक पोर्टल जो कि पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि न्यूज़18 राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली। और इसको लॉन्च किया है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित किया। और इस शिखर सम्मेलन 2000 आयोजन ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में भारत की बहुत सारी महत्वपूर्ण हस्तियां भी उपस्थित थीं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अगर उपस्थित हो रहे हैं तो देश के और भी सेलिब्रिटीज वगैरह यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ईज सूचकांक में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को पहला स्थान मिला है। तो आपका उत्तर होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि ईज सूचकांक क्या होता है। तो ईज सूचकांक बेसिकली बैंकों की जवाबदेही को बढ़ाने के लिए ये सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक को पहला स्थान मिला है, बैंक ऑफ बड़ौदा को दूसरा स्थान मिला है और तीसरा स्थान मिला है SBI को। आपको बिल्कुल याद रखना है, दूसरा स्थान बैंक ऑफ बड़ौदा को, तीसरा SBI को और ये पंजाब नेशनल बैंक को पहला स्थान मिला है। ये बैंकों की जवाबदेही को बढ़ाने के लिए कस्टमर के प्रति इस सूचकांक को जारी किया गया है। और इस सूचकांक का पूरा नाम है इन्हांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इस सूचकांक का पूरा नाम है, तो आपको बिल्कुल इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित होगा। अभी ये मुख्यालय बनाने की बात चल रही है, दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित होगा। तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित होगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे के अभी तक 17 रेलवे जोन हैं, लेकिन विशाखापट्टनम को लेके अब क्या हो जा रहा है, 18 रेलवे जोन हो जा रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय अभी तक 17 जोन थे, अब ये 18वां जोन हो गया है। इसके अलावा रेलवे के 73 डिवीज़न भी हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर, किस राज्य ने जलामृत नामक जल संचय योजना को लॉन्च किया है। तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जलामृत नामक जो जल संचय योजना है इसका उद्देश्य है कि राज्य में जो भी सूखे की समस्या अगर हो रही है तो उसको समाप्त करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना। तो जलामृत बिल्कुल आपको याद रखना है कि जलामृत नामक जल संचय योजना कर्नाटक सरकार ने घोषित किया है। इसका उद्देश्य है सूखे को समाप्त करना तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने 2019 को जल का वर्ष घोषित किया। बिल्कुल इसी तरह है जलामृत की तरह, तो ये जल संचय योजना है और ये वर्ष 2019 को जल का वर्ष घोषित किया गया। तो ये किया गया है कर्नाटक की सरकार द्वारा। अच्छा, इसके पीछे भी मकसद है कि जल के संरक्षण को बढ़ावा देना, जल की महत्ता को समझना, जल के ऊपर जो भी प्रदूषण हावी है उसको समाप्त करना। तो बेसिकली होता है कि जल की महत्ता को
बढ़ावा देना इस योजना, इस जल वर्ष को घोषित करने का एक प्लान है कर्नाटक सरकार का। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 2019 को जल का वर्ष घोषित किया गया, किसके द्वारा किया गया है, कर्नाटक की सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं कि दिव्यांगजनों, यानी कि जो पहले विकलांग नाम था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको दिव्यांगजन नाम दे दिया, तो दिव्यांगजनों के लिए किस शहर में खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो आपका उत्तर होगा ग्वालियर। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में एक जनपद है ग्वालियर, तो ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। और इस खेल केंद्र की स्थापना के पीछे मकसद है कि पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा, जो भी हमारे विकलांग भाई खिलाड़ी हैं उनके खिलाड़ी उनके खेल को आगे बढ़ाना, उन्हें प्रशिक्षित करना। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो खेल केंद्र है ये भारत में दिव्यांगजनों के लिए पहला प्रशिक्षण केंद्र होगा, क्योंकि इसके पहले कोई भी प्रशिक्षण केंद्र सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए सेंट्रलाइज नहीं है। तो ये आपका पहला होगा, तो बिल्कुल याद रखना आपको दिव्यांगजनों के लिए ग्वालियर में खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, RCEP अंतर सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो आपका सही जवाब होगा CM रिप कंबोडिया। कहाँ पे किया गया मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन, किस स्थान पे किया? CM रिप कंबोडिया, कंबोडिया में किया गया। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये RCEP बेसिकली होता क्या है। RCEP का पूरा नाम है कि व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी। व्यापक यहाँ पे लिखना थोड़ा सा टफ होगा, आप लोग बिल्कुल याद कर सकते हैं वैसे ही, व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी। तो बेसिकली ये है कि ये इस RCEP में आसियान के 10 देश हैं और FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इसके 6 साझेदार हैं, यानी कि इसमें 16 लोग शामिल हैं। और इसका मकसद केवल ये है कि इनके बीच में 6 साझेदार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है भारत, चौथा है जापान, पाँचवा है चीन और छठवां है कोरिया। ये सारे मिला के 6 FTA हैं और 10 आसियान अगर आप मैप पे देखेंगे तो 10 ये सपोज कि एशिया का मैप है, तो 5 कंट्रीज़ यहाँ पे आती हैं और 5 कंट्रीज़ नीचे होती हैं। बिल्कुल साउथ ईस्ट एशिया में 5 कंट्रीज़ यहाँ पे हैं और 5 कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं 10 आसियान के देश हैं, तो इसमें पहला है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 कंट्रीज़ हैं वियतनाम को लेते हुए। तो आसियान में 10 हैं और FTA के 6 सदस्य हैं। तीन के बीच है कि व्यापक साझेदारी, जो आर्थिक साझेदारी है, व्यापारिक साझेदारी, उसको बढ़ावा देना, यही मकसद है RCEP का। तो इसी का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था और जिसमें हमारे देश के वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने अपनी भूमिका, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी और ये रिप्रेजेंट किए थे भारत को। तो आपको ये समझ लेना है कि कहाँ पर यह बैठक हुई थी, CM रिप कंबोडिया में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 में भाग लिया? तो आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। तो इस मैत्री अभ्यास में भारत के BSF और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, उसी तरह जैसे BSF हमारे वहाँ होती है उसी तरह उनके वहाँ बांग्लादेश गार्ड्स होती है, तो इन दोनों ने मिल के ये अभ्यास किया है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 भारत ने किसके साथ अभ्यास किया है, तो ये आपका सही आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य प्राधिकरण नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइस अथॉरिटी NPPA, इसके बारे में भी जानते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये नई दिल्ली में, देखिए यहाँ पे दिल्ली थोड़ा सा छूट गया है, ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इसके NPPA के बारे में जान लेते हैं। देखिए NPPA क्या करती है कि भारत में बहुत सी ऐसी दवाएँ हैं जो गरीबों की दैनंदिन की ज़रूरतें होती हैं और उनके प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा दाम में उपलब्ध होते हैं, तो उनको सस्ता करने के लिए
एनपीए का गठन किया गया है और ये उन मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो इसमें दवाएं होती हैं जैसे मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, सूजन से संबंधित बीमारी हो गई, तो ये बहुत सारी बीमारी होती हैं। तो ये एनडब्ल्यूपीए क्या करता है कि औषधि सूची में जो एक इस सूची बनी हुई भारत सरकार की, उसमें ये जो महत्वपूर्ण दवाएं हैं उस सूची में मौजूद दवाओं के मूल्य को निश्चित करता है। तो इसका बेसिकली यही काम है एनपीपीए का। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में, और अभी हाल में चर्चा में भी रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 की थीम क्या थी। तो इस बार की थीम थी लोगों के लिए विज्ञान, विज्ञान के लिए लोग। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों के लिए विज्ञान तथा विज्ञान के लिए लोग। अच्छा, इसके लिए बता देते हैं कि प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसलिए कि भारत के जो नोबेल अवार्डी थे सीवी रमन, उनकी स्मृति में ये अवार्ड उनको मिला था, नोबेल प्राइज़, और उनकी स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम थी लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही जवाब होगा गोविंद प्रसाद शर्मा को। गोविंद प्रसाद शर्मा को एनबीटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको थोड़ा सा एनबीटी के बारे में बता दें, एनबीटी की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। और एनबीटी का मूल मकसद क्या है, साहित्य को कम दरों पे लोगों तक उपलब्ध करवाना, यानी कि आजकल देखते होंगे किताबें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो एनबीटी का मूल मकसद यही है कि किताबें सस्ते दर पे उपभोक्ताओं तक पहुँचें, पुस्तक मेले का आयोजन करवा के किताबों का प्रचार प्रसार करवाना, लोगों के मध्य किताबों के प्रति रुचि पैदा करना, ये सारा मकसद होता है एनबीटी का। तो आपको याद रखना है कि एनबीटी का जो चेयरमैन है वो किसको नियुक्त किया गया है, तो ये है गोविंद प्रसाद शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस क्रिकेटर को बकिंगम पैलेस में, बकिंगम पैलेस यानी कि वहाँ की जो महारानी हैं उनका निवास स्थान है, बकिंगम पैलेस में नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो देखिए, ये इंग्लैंड के एक खिलाड़ी हैं, बैट्समैन हैं, एलेस्टर कुक, और इनको यह अवार्ड दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो स्पोर्ट्स की लिस्ट होती है, तो एलिस्टर कुक को दिया गया था। अच्छा, एलिस्टर कुक से पहले इस अवार्ड को इयान बाथम को दिया गया था, ये भी याद रखना आपको, इयान बाथम को दिया गया था। और इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले जो एलिस्टर कुक हैं वो 11वें खिलाड़ी हैं। इसके पहले 10 लोग और प्राप्त कर चुके थे, ये 11वें खिलाड़ी हैं। 10वें इयान बाथम हैं, 11 खिलाड़ी एलिस्टर कुक हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि बकिंगम पैलेस में नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है, एलेस्टर कुक को दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रशिक्षा के लिए योजना लॉन्च की है, उस योजना का नाम क्या है। तो योजना का नाम है श्रेयस। देखिए, ये बेसिकली क्या है, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसका मूल मकसद क्या है कि जो भी नए नए हमारे ग्रेजुएट छात्र पास हो रहे हैं उनको इस तरह से प्रशिक्षित करना ताकि वो रोजगार परक बन सकें, उनकी जो शिक्षा हो रोजगार से उन्मुख हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चार्डे मिनिस्ट्री ने श्रेयस नामक एक योजना लॉन्च की है। अच्छा, श्रेयस का नाम एक चीज़ और देख लेते हैं, श्रेयस का पूरा नाम क्या है। श्रेयस बेसिकली एक एब्रिविएशन है और इसका पूरा नाम है स्कीम फॉर, यहाँ पर देखते हैं, इससे लिखा नहीं जाता ना, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेसिएशन, सॉरी अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप क्योंकि प्रशिक्षण दिया जाता है ना, अप्रेंटिसशिप इन स्किल, यानी कि स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, तो ये इसका पूरा नाम है। तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है कि मानव संसाधन मंत्रालय ने जो नए युवक हैं, नौ नए ग्रेजुएट अभी हमारे पास हो रहे हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए, रोजगार परक बनाने के लिए, रोजगार उन्मुख बनाने के लिए श्रेयस नामक योजना को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
अभी चागोस द्वीप जो है ये डियो गार्सिया यानी कि हिंद महासागर में स्थित है, अरब सागर में जागोस द्वीप, और ये किन दो देशों के बीच में विवाद में रहा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच में विवाद रहा। बेसिकली क्या है कि चागोस द्वीप ये हिंद महासागर है, तो चागोस द्वीप क्या है, यहाँ चागोस द्वीप है, यहाँ पे मॉरिशस है, मॉरिशस के बिल्कुल बगल में है और मॉरिशस की सीमा में भी आता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया है कि इंग्लैंड को यानी यूनाइटेड किंगडम को सीधा सीधा बोल दिया कि ये द्वीप आप क्या करिए, मॉरिशस को सौंप दीजिए, क्योंकि इसे मॉरिशस का अधिकार होना चाहिए बेसिकली। तो इसीलिए विवाद में रहा है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोल भी दिया है कि आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके बारे में बस इतना ही है, और याद रखना आपको चागोस द्वीप कहाँ पे है, हिंद महासागर में स्थित है और ये डियो गार्सिया के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फेसबुक इंटरनेट समावेश सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपका ये 47वां स्थान है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फेसबुक इंटरनेट समावेश सूचकांक क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो विश्व की महत्वपूर्ण जनसंख्या और महत्वपूर्ण जीडीपी वाले देश हैं, उन देशों से संबंधित सूचकांक जारी किया जाता है। तो इस सूचकांक में क्या होता है कि पहला स्थान है सिंगापुर को प्राप्त हुआ है, पहला स्थान सिंगापुर को मिला है और दूसरा स्थान यूएसए को मिला है। और इसमें ऐसे देश आते हैं जिनकी 94% जनसंख्या और 96% वैश्विक जीडीपी में योगदान होता है, यानी कि 94% इनका पूरा विश्व की जनसंख्या में इनका योगदान है और 96% जीडीपी, यानी कि ये मान के लिए कि विश्व के मैक्सिमम देशों को इसमें इनवाइट किया गया था, जिसमें सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया और दूसरा स्थान यूएसए को दिया गया, और इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, 47वां स्थान रहा है। तो आपको ये दो तीन पॉइंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, मेटा लाइफ टाइम अचीव अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो आपका सही जवाब होगा महेश एलकुंचवार। महेश एलकुंचवार क्या हैं, एक लेखक हैं, और इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं, जैसे इन्होंने सुल्तान, होली, गर्भो, यातनागर तथा आत्मकथा समेत तीन नाटकों की इन्होंने रचना की है अभी तक। तो आपको याद रखना है कि मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, महेश एलकुंचवार को दिया गया। अच्छा, थोड़ा बहुत मेटा के बारे में जान लेते हैं कि मेटा का पूरा नाम क्या है, महिंद्रा एक्सीलेंट इन थिएटर अवार्ड, ये थिएटर के क्षेत्र में विशेषकर अवार्ड दिया जाता है, महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड इसका पूरा नाम है मेटा का, और ये थिएटर के दिए क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो आपको याद रखना है कि थोड़ा बहुत मेटा के बारे में जान लेंगे और महेश एलकुंचवार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखते मान लीजिए कि महेश एलकुंचवार के बारे में पूछ दिया, लेकिन इसके साथ साथ मेटा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ताकि मेटा से भी संबंधित जो क्वेश्चन पूछे उसको भी आप बता दें और महेश एलकुंचवार के बारे में जो पूछे उसको भी आप टिक करके एग्ज़ाम में आएँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 में 8 रन पूरे किए हैं, तो आपका सही जवाब होगा सुरेश रैना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन शहरों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ लेना है। तो ये है भोपाल और जोरहाट, असम के जोरहाट और भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की गई, उद्घाटन किया गया है। अच्छा, इसके अलावा असम का जोरहाट तो है ही, मध्य प्रदेश का भोपाल है, और आंध्र प्रदेश के अमरावती तथा हरियाणा के कुरुक्षेत्र, ये 4 जगहों पे ये राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो पहला हो गया भोपाल, दूसरा हो गया जोरहाट, तीसरा हो गया अमरावती और तीसरा हो गया चौथा कुरुक्षेत्र हरियाणा का। तो इन 4 जगहों पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों की स्थापना की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ जान लेते हैं राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के बारे में कि इसकी स्थापना 1911 में की गई थी, और कहाँ की गई थी, उत्तर प्रदेश, सॉरी भारत के अहमदाबाद, यानी कहाँ पे है ये, गुजरात, गुजरात में स्थित है अहमदाबाद। अहमदाबाद में इसकी स्थापना कब की गई थी, 1911 में। तो आपको याद रखना है भोपाल, जोरहाट, अमरावती और कुरुक्षेत्र, हरियाणा का कुरुक्षेत्र, आंध्र प्रदेश का अमरावती, जोरहाट यानी असम का, और मध्य प्रदेश का भोपाल। तो इन 4 जगहों पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया, तो आपका उत्तर होगा योहेई सासाकावा,
ये जापान के रहने वाले हैं, योही सासाकावा। अच्छा, इसके पहले और देख लेते हैं, 2017, 2016, 15, ये अवार्ड किसे दिया गया, क्योंकि ये अवार्ड जो होता है प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो आइए उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इस अवार्ड से 2018 में तो योही सासाकावा को अवार्ड दिया गया। 2015 से देख लेते हैं कि 2015 में इस अवार्ड को कन्याकुमारी की, जो हमारे भारत की सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, तो कन्याकुमारी के ये विवेकानंद केंद्र हैं, जिसको 2015 में इस अवार्ड से दिया गया। 2016 का जो अवार्ड था वो दिया गया था अक्षय पात्र फाउंडेशन तथा सुलभ इंटरनेशनल को। कब दिया गया था? 2016 का अवार्ड दिया गया था। और 2017 का जो अवार्ड दिया था वो दिया गया था एकल अभियान ट्रस्ट है, एकल अभियान ट्रस्ट ने जिसको 2017 का अवार्ड दिया गया था, 2016 का अवार्ड दिया गया था अक्षय पात्र फाउंडेशन तथा सुलभ इंटरनेशनल को। सुलभ इंटरनेशनल जो बिंदेश्वरी पाठक, उन्होंने सुलभ शौचालय की शुरुआत की थी उसको, और अक्षय पात्र फाउंडेशन जो कि मिड डे मील के लिए, मतलब 20 से 25 हज़ार बच्चों का पर डे का ये भोजन अक्षय पात्र फाउंडेशन बनाता है, उसको दिया गया था। और 2015 का जो अवार्ड था वो कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को दिया गया था। आपको तीन क्लियर हो गया, 15, 16, 17 और 18 आपको योही सासाकावा को दिया गया। अच्छा, योही सासाकावा को किस लिए दिया गया था? ये बेसिकली कुष्ठ रोग को समाप्त करने के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है, इसलिए इनको दिया गया है। और इस अवार्ड के तहत 1 करोड़ रुपए की भारी राशि दी जाती है, 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। और इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1955 में भारत सरकार ने, सॉरी 1995, सॉरी 1995 में इस अवार्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो ये रहे इसके बारे में फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले स्किल साथी यूथ कॉन्क्लेव को किस शहर में लॉन्च किया गया है? पहले स्किल साथी यूथ कॉन्क्लेव को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। तो इसके पीछे मूल मकसद है कि युवाओं को रोजगार परक, जैसे श्रेयस का है या चार्टर्ड मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, उसी तरह ये है कि हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करना, योग्य बनाना तथा उनको भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करना। इसमें युवकों की क्या होती है, काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग के माध्यम से उनको सही कौशल चुनने का अवसर दिया जाता है और उन्हें मार्गदर्शित किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपको याद रखना है। पहले स्किल साथी यूथ कॉन्क्लेव तो लॉन्च किया गया वो भुवनेश्वर में, मकसद है युवाओं को स्किलफुल बनाना, उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करना, रोजगार परक बनाना, ये सारा इसका मकसद है। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, 2019 कान अंतर्राष्ट्रीय ओपन ट्रॉफी किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीती है? तो ये आपका सही आंसर होगा अभिजीत गुप्ता ने। 24 नंबर क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है और ये टाइगर रिजर्व है। और ये चर्चा में इसलिए रहा कि इस बांदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास जो भी गांव थे, उस गांव में कभी कभार होता था कि टाइगर शेर वगैरह घुस जाया करते थे, और उन्हीं से बचाव के लिए इन गांव वालों ने क्या किया था, दो एक लोगों ने इस बांदीपुर टाइगर रिजर्व में आग लगा दी थी, और जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में वहाँ पर फ्लोरा और फौना, फ्लोरा मतलब कि जितने भी वहाँ पर पादप प्रजातियाँ हैं, और फौना यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसलिए टाइगर रिजर्व काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये पूछा जा सकता है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये कर्नाटक में अवस्थित है और ये टाइगर रिजर्व है, और क्यों चर्चा में रहा ये भी पूछा जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन देते हैं, इंडिया इन डिस्ट्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी ने इससे पहले करीब 80 से 85 किताबें इन्होंने अब तक लिख चुकी हैं। तो आपको याद रखना है कि इंडिया इन डिस्ट्रेस, ये मेरे ख्याल से नाम से ही मालूम हो रहा है कि भारत की जो केंद्रीय सरकार है उसके विरोध में लिखी गई है, इंडियन डिस्ट्रेस। भारत को बताया गया कि डिस्ट्रेस बिल्कुल प्रॉब्लम है इंडिया, तो ममता बनर्जी ने इस किताब को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान ने भारत के लिए किस बंदरगाह से व्यापारिक मार्ग लॉन्च किया है? तो ये चाबहार बंदरगाह है। तो आइए देखते हैं चाबहार बंदरगाह के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये जो चाबहार बंदरगाह है ना, ये ईरान में स्थित है, और ये जो चाइना के द्वारा पाकिस्तान पाकिस्तान में जो बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह आपने सुना होगा ना, मैप में देख सकते हैं, ग्वादर बंदरगाह का जो निर्माण किया जा रहा है चाइना के द्वारा, उससे सिर्फ 100 नॉटिकल मील की दूरी पे है ये चाबहार बंदरगाह, जो इनकी ईरान में स्थित है। तो अफगानिस्तान ने क्या किया है कि यहाँ से भारत के साथ व्यापार करने के लिए बहुत सारे
मार्को लॉन्च किया है। तो आपको इतना याद रखना है कि चाबहार बंदरगाह एक काफ़ी सैन्य दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो ग्वादर बंदरगाह है चाइना द्वारा विकसित किया जा रहा पाकिस्तान में, उससे कुछ ही दूरी पर स्थित है, ईरान में स्थित है। और भारत की इसमें काफ़ी अहम भूमिका है, भारत ने इसको बनाने में काफ़ी योगदान भी दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आधिकारिक शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के ये गोरखपुर से लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और इसके तहत प्रत्येक प्रत्येक किसान को साल में 6,000 रुपये, 2-2 हज़ार की किस्त में 3 बार में दिया जाएगा। और इस कुछ मानक हैं, जिस मानक को पूरा करने पर किसान को दिया जाएगा। तो मानक है कि प्रत्येक किसान की जो मासिक आय होगी वह 3140 रुपये, 3140 रुपये जिस भी किसान की मासिक आय होगी उसको ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना, 2-2 हज़ार की आसान 3 किस्तों में उसके बैंक अकाउंट में अपने आप डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी किसानों के लिए अहम भूमिका अदा करेगी। किसान उससे थोड़ा बहुत तो ज़रूर मजबूत होंगे अपनी खेती के लिए। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में RTGC नामक डॉलर नई मुद्रा लॉन्च की है, किस देश ने RTGC डॉलर नामक मुद्रा लॉन्च की है? तो आपका सही जवाब होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे क्या है, अफ्रीकन कंट्री का एक देश है। तो इसको लॉन्च करने के पीछे मेन मकसद था कि जो जिम्बाब्वे की इकॉनमी है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, और उसी जो क्राइसिस को दूर करने के लिए RTGC नामक डॉलर को लॉन्च किया गया। और ये बेसिकली जो डिजिटल मनी है जिम्बाब्वे में उसको रिप्लेस करने के लिए शुरू किया गया है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि RTGC नामक जो मुद्रा प्रणाली है उसको किसने लॉन्च किया है, ये जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान विश्व कांग्रेस 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपका सही जवाब है कोच्चि। कोच्चि कहाँ पर है, केरल में स्थित है। और इस जो कांग्रेस का आयोजन किया गया था इसकी थीम थी ब्रांड धर्म, याद रखना आपको ब्रांड धर्म। देखिए थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रांड धर्म क्या है, इसकी थीम थी किसकी, विज्ञापन विश्व कांग्रेस की 2019 में जो भी आयोजित किया गया था, कोच्चि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने शराब के कंसाइनमेंट का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड का गठन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश का बिहार है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार ने काफ़ी पहले अपने पूरे राज्य में शराबबंदी लागू की थी, और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी सामाजिक गतिविधियाँ ऐसी होंगी कि ना मतलब अच्छे तरीके से संपन्न हो रही हैं, और सामाजिक रूप से बड़ा इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि शराब का सबसे ज़्यादा जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है वो महिलाओं पर होता है, क्योंकि महिलाओं के जो हस्बैंड होते हैं वो मतलब शराब पीते हैं, और उससे सामाजिक विखंडन की भी बातें होती रहती हैं। तो ये डॉग स्क्वाड का गठन किया गया है, और ये डॉग स्क्वाड बेसिकली क्या है, 9 महीने के प्रशिक्षण के बाद हैदराबाद की साउथ में है ये, और ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ये प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड हैं, और ये वहाँ से प्रशिक्षण के बाद ये क्या होंगे, बिहार पुलिस में शामिल हो जाएंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि शराब के कंसाइनमेंट का पता लगाने के लिए बिहार सरकार ने डॉग स्क्वाड का गठन किया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, AHF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 किसे प्रदान किया गया? तो ये मनप्रीत सिंह को दिया गया है। आइए थोड़ा सा AHF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो ये अवार्ड जो है एशियाई हॉकी फेडरेशन का अवार्ड है, जिसे मनप्रीत सिंह को दिया गया है। अच्छा, महिला वर्ग में ये अवार्ड दिया गया है, जो कि भारतीय महिला टीम की स्ट्राइकर हैं, उनका नाम है लाल रिमसियामी को ये अवार्ड दिया गया है, और उन्हें दिया गया है राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो इस संदर्भ में इन लोगों के बारे में बस इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बोट एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है? बोट एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है, तो ये उड़ीसा सरकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये बृजभूषण शरण सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊँची रेलवे लाइन कौन सी है? तो ये बिलासपुर मनाली रेलवे लाइन है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है, ये विश्व की बात हो रही है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन बिलासपुर मनाली रेलवे लाइन। इस रेलवे लाइन के बनने के बाद आप दिल्ली से जो पहले 40 घंटा लग जाता था लेह पहुंचने में, दिल्ली से 40 घंटा लग जाता था लेह पहुंचने में, लेकिन अब क्या होगा, इसके बनने की वजह से ये 20 घंटे का सफ़र रह जाएगा। अच्छा, ये रेलवे लाइन क्या है,
465 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन होगी, बिलासपुर मनाली रेलवे लाइन, जो कि विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया गया? तो ये WHO के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में। अभी आपने हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो राष्ट्रीय स्मारक है ना, इसके पहले देखिए भारत में कोई युद्ध स्मारक अभी था नहीं। इंडिया गेट तो था, लेकिन ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था और उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के जितने भी सैनिक मारे गए थे भारत के, अब तो उसमें उनका नामकरण किया गया था, लेकिन भारत के द्वारा अभी युद्ध स्मारक कोई अभी बना नहीं था। तो ये दिल्ली में इस स्मारक का उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया है। और ये स्मारक जो है 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, ये 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ बता दूँ आपको कि इसमें चार वृत्त का निर्माण किया गया है। चार वृत्त में कौन कौन है? पहला है अमर चक्र, दूसरा है वीरता चक्र, तीसरा है त्याग चक्र और चौथा है रक्षक चक्र। और इन चारों चक्रों को मिला के इसमें क्या किया गया, ग्रेनाइट के पत्थरों पे 25,000, आंकड़ा याद कर लीजिएगा, 25,942 सैनिकों के नाम खुदे हैं। 25,942 सैनिकों के नाम खुदे हैं। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? पहला है कि 1962 के युद्ध में, जो भारत और चाइना के बीच में 1962 का युद्ध है, जिसने भी सैनिक हमारे मारे गए थे। उसके बाद 1965 यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और श्रीलंका में जो भारतीय मिशन गया था, श्रीलंका में जो शांति स्थापित करने के लिए भारतीय मिशन गया था, उसमें भी जो सैनिक मारे गए थे उसको भी शामिल किया गया है। और उसके बाद लास्ट आता है 1999 यानी कि जो कारगिल युद्ध हुआ था। यानी कि इतने 62, 65, 71, श्रीलंका शांति मिशन और 1999 में जितने भी हमारे देश के सैनिक मारे गए थे, उन सारे लोगों का नामकरण इसमें किया गया है। चार वृत्त का निर्माण किया गया है। आपको बिल्कुल ये सब आंकड़े याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार वृत्त बने हुए हैं, चार वृत्त का नाम क्या है? अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। ये चार वृत्त बने हुए हैं, चारों वृत्त में 25,942 इसमें सैनिकों का नाम लिखा हुआ है। और कौन कौन से, यानी कि 1965, 1962, 1971, श्रीलंका शांति मिशन, 1999, यानी ये सारी चीज़ों, सारे जो युद्ध हुए हैं इसमें जितने भी हमारे सैनिक शामिल हुए हैं, जितने भी हमारे सैनिक मारे गए हैं, उनका नामकरण किया गया है। और एक चीज़ और है कि इस युद्ध स्मारक में जो ये स्मारक बना हुआ है, इसमें देश के जितने भी 21 परमवीर चक्र विजेता थे उनकी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। तो साथ साथ ये भी याद रखना है, ये UPSC का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 जो भी परमवीर चक्र विजेता हैं उनको ये उनकी मूर्तियां ही स्थापित की हैं। अच्छा, थोड़ा सा जिक्र कर दें यहाँ पे, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। परमवीर चक्र जो होता है, आपने देखा होगा परमवीर चक्र हमेशा नहीं मिलता है, और अशोक चक्र, तो ये दोनों अवार्ड जो हैं बराबर हैं। अंतर क्या है कि परमवीर चक्र जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा हो और उस दौरान असीम साहस दिखाने वाले सैनिक को क्या किया जाता है? परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। लेकिन जब दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता चले, शांति स्थापित हो, और उस दौरान अगर कोई मुद्दा ऐसा गर्म हो जाता है कि लोग शहीद हो जाते हैं, परेशानी आ जाती है, उसमें जो अवार्ड मिलता है असीम बलिदान, असीम कार्य के लिए, तो उसमें अशोक चक्र दिया जाता है। यानी कि परमवीर चक्र होता है वो युद्धकालीन, और अशोक चक्र को होता है वो शांतिकालीन। यानी कि दोनों अवार्ड बराबर हैं, बशर्ते नेचर में अंतर है कि परमवीर चक्र युद्धकालीन में दिया जाता है और अशोक चक्र शांतिकाल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीरियड एंड आप सेंटेंस फिल्म ने ऑस्कर 2019 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट अवार्ड जीता, इस फिल्म के भारतीय निर्माता कौन है? तो देखिए, इस पूरे ऑस्कर अवार्ड जो 2019 है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप देखना चाहेंगे तो वहाँ पे पूरी लिस्ट पड़ी हुई है कौन कौन से अवार्डी हैं वहाँ पे। और इस फिल्म को जो दो स्नेह और सुमन, दो हापुड़ की एक गांव की लड़कियाँ हैं, और जिनको पीरियड मतलब कि माहवारी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक्शन करके NGO है उसके द्वारा पूछे जाते हैं, और उसी को लेके वो पैड उस गाँव में बनाना शुरू कर देती हैं, नैपकिन पैड बनाना शुरू कर देती हैं, और उसी पर ही अवार्ड मिला हुआ है। अवार्ड कौन सा है? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला हुआ पीरियड एंड
आप सेंटेंस को, और जिसके डायरेक्टर कौन है, गुरीत मोंगा हैं डायरेक्टर, उनको ये अवार्ड मिला है। 39 नंबर क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था, ये ग्रीन बुक को मिला है, बिल्कुल याद रखना है, ये पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रति सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया है। तो ये रहे आपके 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, होप लोगों की आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।